नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वहीं चिर परिचित दोस्त आज आप सबके लिए एक और नई औषधि लेकर के आया हूं दोस्तों, या एक नहीं कहिए अनेक औषधियों का मिश्रण लाया हूं आज आप सबके लिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। आप हर रोज़ की ज़िंदगी में दोस्तों एक नई नई समस्या यानी कि दुनिया में अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती जा रही हैं। आपने और हम सारे युवा भी कहिए और बुजुर्ग भी कहिए, सभी भुगत रहे हैं आज। तो कुछ ऐसी औषधियाँ कहें या ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उन्हें सब्जियाँ कहें। आज हम सब्जियों पर ही शोध लाए हैं कि कैसे उनको यूज करना है, तो क्या क्या फ़ायदा करेंगी, बस यही जानना है। खाने को तो हम लोग हर रोज़ खाते हैं दोस्तों, सब्जियाँ जो हैं ऑलवेज फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन मान लीजिए कोई शुगर का मरीज हो और उसे हम गाजर वगैरह या ऐसी मीठी चीज़ें आम खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता, उसके लिए लॉस कर सकता है। तो इसे हमें समझना होगा कि कब कौन सी सब्जी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो कुछ ये शोध जो है उसी पर डिपेंडेड है कि हमारी सेक्स लाइफ कैसे बेहतर हो दोस्तों। 9 सब्जियों का हम आज वर्णन करेंगे जिनसे आप अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं दोस्तों। शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि को दूर करने के लिए आदमी क्या क्या अंट संट दवाएं बिना उसका कुप्रभाव जाने खाता रहता है, अंत में उसका जीवन नरक बन जाता है। हमारी प्राकृतिक संपदा इतनी विशाल है कि हर बड़ी से बड़ी कमजोरी को चुटकियों में ख़त्म कर देती है, बस धैर्य से उसका उपयोग करना जानना होगा हमें। आइए सबसे पहली सब्जी का नाम हम जानते हैं, चुकंदर। जी हाँ, इस कड़ी में जो सबसे पहली सब्जी हम आपको बताने जा रहे हैं, चुकंदर। अब इसके क्या क्या लाभ हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चुकंदर नाइट्रेट से भरपूर होता है जो जननांगों तक रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। यह ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर है जो कि प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्स करते हैं और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में बहुत मददगार है। गाजर। जी हाँ, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। संभोग से कुछ देर पहले अगर एक गाजर चबा चबा कर खाई जाए तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। गाजर में पाए जाने वाले विटामिन वीर्य और शक्ति को बढ़ा देते हैं दोस्तों। लहसुन। लहसुन को कामोद्दीपक होने का गौरव हासिल है और इसके कई कारण हैं। एलिसिन जो लहसुन में प्रमुख घटक है, यह जननांगों में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है और रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, जिससे यौन क्षमता और प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होता है। कई क्षेत्रों में इसकी चटनी भी बनाकर खाई जाती है जो कि बहुत ही विशेष लाभ प्रदान करती है दोस्तों। प्याज। प्याज भी अपने कामोद्दीपक गुणों के लिए जाना जाता है दोस्तों। सीमित मात्रा में प्याज का नियमित सेवन किया जाए कामेच्छा में सुधार करता है। भिंडी। भिंडी विटामिन और जिंक का एक बड़ा स्रोत है। जिंक की कमी स्तंभन समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है। यह थकावट को कम कर यौन शक्ति को पुनर्जीवित करती है। मशरूम। मशरूम में उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खनिज लवण जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, तांबा और जिंक आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह खनिज अस्थियों, मांसपेशियों, नाड़ी संस्थान को, कोशिकाओं तथा शरीर की क्रियाओं में सक्रिय योगदान करते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम एक महाऔषधि है। इसका सेवन आपकी सभी कमजोरियों को खत्म कर आपको बहुत ताकत देता है। पालक। जी हाँ, पालक में फोलेट उच्च मात्रा में होता है। पालक रक्त में हेमोस्टीन का स्तर कम करने में बहुत मदद करता है। हेमोस्टीन एक हानिकारक पदार्थ है जो कि धमनियों और अन्य रक्त वाहिकाओं में प्लाक का निर्माण कारण बन सकता है। रात में पहले पालक के सूप का एक कटोरा जननांग क्षेत्र में रक्त परिसंचरण कर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा। टमाटर। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट एक प्राकृतिक कामेच्छा बूस्टर होने के लिए जाना जाता है, जो शीघ्र पतन व कमजोरी को दूर कर सकता है और कामेच्छा को बढ़ाता है दोस्तों। और ये सारी बातें ओवरऑल निचोड़ पे आए तो ये होता है दोस्तों कि इन सभी सब्जियों में शक्तिवर्धक गुण होते हैं। अगर आप इन्हें उचित मात्रा में लेते हैं, आपके जीवन में यानी कि मजबूती,
यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप हर काम को अच्छा कर पाएंगे, आप लाइफ में हर काम को एंजॉय करेंगे और मस्ती से कर पाएंगे, आपका हर कार्य में दिल लगेगा। अगली बार हम और नई औषधि लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।